अखिलेश और जयंत के बीच एक घंटे की जद्दोजहद में आखिरकार कैराना लोकसभा सीट को लेकर सपा और रालोद में समझौता हो ही गया। समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन कैराना से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की मां तबस्सुम हसन को पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर मैदान में उतारने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बसपा से नजदीकी का भी लाभ लेने के प्रयास में है। इस सीट पर स्वर्गीय मुनव्वर हसन की भी अपनी साख रही है। 2009 में पत्नी तबस्सुम हसन ने यहां से जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी टिकट देने की तैयारी में थी। उनके बेटे नाहिद हसन शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। सपा इस सीट पर दलित मुस्लिम व पिछड़ों के साथ रणनीति बना रही है। इनके साथ ही क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल की भी तगड़ी पैठ है। कैराना लोकसभा उपचुनाव की जीत के मायने 2019 लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। कोई भी पार्टी यहां कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कैराना की सियासत में तीन प्रमुख घराने सत्ता का केंद्र माने जाते हैं। इनमें हुकुम सिंह, जिनके देहांत के बाद कैराना लोकसभा सीट खाली हुई है। इनके अलावा स्वर्गीय मुनव्वर हसन और सहारनपुर के काजी रशीद मसूद का परिवार प्रमुख है। भाजपा सांसद हुकुम सिंह के देहांत के बाद खाली हुई कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दावेदारों में उनकी बेटी मृगांका सिंह भी शामिल है। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।